हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। एक और नया विज्ञापन जारी हुआ है NCERT की तरफ से। पिछले जितने भी वीडियोस रहे हैं NCERT के, बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई भी किया है और सिलेक्शन भी हुआ है। आगे भी जो है सिलेक्शन होते रहेंगे, तो लगातार जो है चैनल पर बने रहें। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से समय पर मिल सकेगा। अगर नहीं भी मिलता है किसी भी कारणवश, तो आप जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं 2 वीक के, वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें अगर आप शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो वैकेंसी आपको मिल सकती है, आपके राज्य की, आपके सब्जेक्ट हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की तरफ से जो नई वैकेंसी आई है, नया विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें केवल मास्टर डिग्री मांगा गया है। आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 55% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। सब्जेक्ट जो है क्या रहेंगे मास्टर डिग्री में, तो साइकोलॉजी है, एजुकेशन सोशियोलॉजी है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, सोशल वर्क है, या फिर एनी रिलेटेड डिसिप्लिन विद मिनिमम 55% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें भी छूट रहेगी, आयु सीमा में छूट रहने वाली है। जनरल कैटेगरी की आयु 40 वर्ष रहेगी, ठीक है। बाकी SC ST की आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 5 साल की छूट रहती है। PWD को 10 साल की छूट रहती है। सैलरीज में जो है 35,000 37,000 पर मंथ रहने वाली है। सभी राज्यों के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, जल्दी ही आवेदन करना होगा। बिल्कुल नया विज्ञापन है, 12 सितंबर को ये जारी किया गया। ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर सारी चीज़ें जानेंगे कैसे अप्लाई करना है। वीडियो के अंत तक बने रहें, सारी चीज़ें क्लियर होंगी जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो वैकेंसी सेक्शन में एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, प्रोजेक्ट स्टाफ, इसमें वैकेंसी आई है प्रोजेक्ट स्टाफ के अंदर। और ये जो डिपार्टमेंट है इसका नाम है शैक्षिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा आधार विभाग। 12 सितंबर 2024 JPF का पद है। मास्टर डिग्री इन किसी भी सब्जेक्ट में आपकी हो, 55% मार्क्स के साथ में, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। अगर नहीं भी है, जैसे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस, ये सब नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बस आपकी मास्टर डिग्री होनी ही चाहिए। एज लिमिट जो है 40 ईयर इसमें है। और जूनियर प्रोजेक्ट फेलो इसमें 37,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। जिन कैंडिडेट के पास नेट PhD है और विदाउट नेट PhD के, आप जो है इसमें सैलरी देख सकते हैं 35,000 पर मंथ, 35,000 पर मंथ। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू उन्होंने बताया है कि 26 सितंबर 2024 को 11 बजे आपको पहुंचना है। किस जगह पे पहुंचना है? रजिस्ट्रेशन टाइम आपका 9:30 बजे से 11 बजे तक रहेगा। और आपको ये एड्रेस लिखा है, इस जगह पे पहुंचना है GB पेंट ब्लॉक 5th फ्लोर, रूम नंबर 515। दिल्ली में ही जॉब लोकेशन रहने वाली है। ऊपर देख लें आप, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविंद मार्ग, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आपको न्यू दिल्ली में ही जाना है, वहीं पर इंटरव्यू रहेगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जॉब भी आपको वहीं करनी होगी। अब यहाँ पर देखें कि मास्टर डिग्री में SC ST फिजिकल PH कैंडिडेट आर एलिजिबल विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। तो इनको जो है 5% छूट है, यानी 50% आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में, ठीक है। तो बस इंटरव्यू के लिए आपको जाना है, अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनकी एक एक जो है फोटो कॉपी ले लें, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लें और पहुंच जाएं समय पर 26 सितंबर 2024 को। कनिष्ठ परियोजना अध्येता हिंदी में है ये पद का नाम है, परीक्षा नहीं है ये, प्योरली टेम्परेरी बेसिस पर जो है रहेगा। और इसमें समय है 31 मार्च 2025। तो ऐसे नहीं सोचना है कि 31 मार्च तक ही जो है जॉब करने को मिलेगा, अभी यहाँ वैकेंसी आती ही रहती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है NCERT की तरफ से निकाले जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, वहाँ जाकर जो है आप लोगों को ये भी पता लगेगा कि नेक्स्ट जो है, जैसे ही ये टाइम पीरियड आपका पूरा होता है तो आप और भी जो है वहाँ पर इंटरव्यू देकर सिलेक्शन पा सकते हैं। एज जो है वो 40 ईयर है इसमें। और भी यहाँ से वैकेंसी आती है, परमानेंट वैकेंसी भी आती है, कई आपको बताई भी है। शिक्षक भर्ती के विज्ञापन भी जो है NCERT की तरफ से कई जारी हुए हैं, जो कि आप लोगों को मैंने रेगुलर
बताए भी हैं। आगे भी वैकेंसी आप लोगों को बताई जाएगी। आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं, रेगुलर चैनल पर बने रहें। थैंक यू।